बात मैं कहूंगा, लुम्बिनी की फ्रेंचाइज बहुत ही चालाक है, क्लेवर माइंड पर्सन आप कह सकते हो, जिसने भी जो है ये डिसीजन लिया, उनको पता है कि डेविड वार्नर, और देखो डेविड वार्नर आएगा, ये रीजन भी मैं आपको बताता हूं क्यों आ सकते हैं, क्योंकि लुम्बिनी के जो ओनर है उनकी आज एक यहाँ पे आप कह सकते हो बातचीत हुई नेपाल के न्यूज चैनल ऑनलाइन खबर के साथ में, इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसमें वहां जो है उन्होंने कहा कि डेविड वार्नर से हमारी बातचीत हुई है और डेविड वार्नर ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि वो नेपाल आएंगे और एनपीएल लीग खेलेंगे। और ये मैंने जो आपको एक क्लेवर वाली बात कही थी ना, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो लुम्बिनी के ओनर है, टीम लुम्बिनी जो एनपीएल की फ्रेंचाइज है, उनके ओनर को पता है कि यार ऑडियंस रिस्पॉन्स कैसे लाया जाए, उसके अलावा यहाँ पे अच्छे एडवर्टाइजर कैसे लाया जाए, अच्छे स्पॉन्सर्स कैसे लाया जाए, उनको पता है। आप एक बड़े खिलाड़ी को पिक करो, दुनिया भर की नजर आपके ऊपर आ जाएगी, दुनिया भर की नजर डेविड वार्नर के पास अगर आप देखो तो इंडियन फैंस भरे पड़े, पाकिस्तानी फैंस भरे पड़े, ऑस्ट्रेलियन फैंस भरे पड़े, इंग्लैंड फैंस भरे पड़े। डेविड वार्नर एक ऐसा सिक्का है ना, जो अगर एनपीएल में आ जाते हो तो आप ये पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस का नजर अपने ऊपर ला सकते हो। और लुम्बिनी ने ये बहुत ही बड़ा जो गेम है दिमाग से खेला है एनपीएल के लिए डेविड वार्नर को लाके। दूसरी चीज यहाँ पे ये है, डेविड वार्नर क्यों आ सकते हैं, तो देखो डेविड वार्नर अभी एक आप कह सकते हो एक तरह से रिटायर्ड प्लेयर है ना, वो अभी T20I खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ना वो ODI खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ना ही वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तीनों फॉर्मेट से डेविड वार्नर जो है अभी बाहर है, और इसका 90% चांसेस ये है कि डेविड वार्नर फ्रेंचाइज लीग खेल ले, बिकॉज डेविड वार्नर रिसेंट में ग्लोबल T20I खेलने गया था, डेविड वार्नर रिसेंट में जो है और भी लीग मैचेस जो है वो खेल रहे हैं, तो 80-90% चांस आप पकड़ लो डेविड वार्नर जो है वो खेलेंगे। बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, अगर डेविड वार्नर लुम्बिनी में आ जाते, सबसे पहले लुम्बिनी टीम को फायदा यह होगा रोहित पौडेल की कप्तानी में, डेविड वार्नर को जो है यहाँ पे आप कह सकते हो उनको आप कह सकते हो उनके जो है ना डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी डेविड वार्नर से, इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी है आता है तो भाई। दूसरी चीज है, नेपाल का नाम बनेगा क्रिकेट में, एनपीएल का नाम बनेगा, पाकिस्तान सुपर लीग, बीपीएल, बाकी जितने भी लीग मैचेस के लोग हैं वो कहेंगे यार डेविड वार्नर आके खेल रहे हैं, तब फाइट चल रही है लीग में, तो ये फायदा होगा। तीसरी, पूरी दुनिया भर के फैन बेस आपको मिलेंगे। चौथा, लुम्बिनी को, फ्रेंचाइज को अच्छे स्पॉन्सर्स मिलेंगे, अच्छे ब्रॉडकास्टर्स की जो है बातें होगी वो फिर सीक्रेटली चलेगी, समझ लो, तो बहुत सारी चीजें जो है फायदा आएगा। तो देखो डेविड वार्नर के आने से फायदा ही होगा, और ये न्यूज यहाँ पे 80% सच है, आप ऑनलाइन खबर पे जाके सर्च मारना आपको मिल जाएगी कि जो उनके ओनर है लुम्बिनी के, उनका बातचीत सीक्रेटली चल रहा है डेविड वार्नर से, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं कहूंगा नेपाल को बहुत ही बड़ा फायदा मिलने वाला है इस डेवलपमेंट से, अगर मिल जाती है डेविड वार्नर की बैटिंग मिल जाती है लुम्बिनी को, तो एक तो टीम की स्ट्रेंथ जो आ जाएगी, ठीक है, डेविड वार्नर आपको पता ही है किस तरीके का खिलाड़ी, वो बंदा 60 स्ट्राइक रेट से लेके 200-250 स्ट्राइक रेट तक खेल सकता है, तो वो बैटिंग में स्ट्रेंथ मिलेगी। दूसरी, मैंने आपको बता दिया पॉपुलैरिटी एनपीएल की ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी पूरी दुनिया भर में। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, पैसे की बात आती है तो देखो पैसे में भी मैं उतना ज्यादा नहीं कहूंगा, बिकॉज जब डेविड वार्नर ग्लोबल T20I कनाडा जाके खेल सकता है तो डेविड वार्नर आपके लिए एनपीएल भी खेल सकता है, मानते हो कि नहीं। वहां पे जब ग्लोबल T20I कनाडा क्या है, एक एसोसिएट नेशन है, और वहां पे जो है डेविड वार्नर खेल रहे हैं, तो फिर आपका लीग क्यों नहीं खेल सकता, आप 40-50 लाख दोगे तो क्यों नहीं आ पाएगा। हालांकि पैसे यहाँ पे मान लो डेविड वार्नर डिमांड करेगा, मैं तो कहता हूँ डेविड वार्नर को लुम्बिनी को लाना चाहिए, और ये सिर्फ मैं लुम्बिनी के लिए नहीं कह रहा हूँ, विराटनगर, काठमांडू, चितवन, जनकपुर, पोखरा, विराटनगर, जितने फ्रेंचाइज है सबसे मैं कह रहा हूँ, कार्नाली वगैरह सबसे, आप भी कोई ऐसे ऐसे खिलाड़ी को चुनो जो एनपीएल को फायदा दे, जो नेपाल को फायदा दे, प्लस आपके खिलाड़ियों को फायदा दे, ये मैं कहूंगा। और डेविड वार्नर के आने से बहुत ज्यादा बड़ा फायदा मिल रहा है आपको, सोचो दुनिया हर एक फ्रेंचाइज अपने अपने लिए एक बड़ी बड़ी खिलाड़ी को हायर कर लिया, पॉपुलैरिटी कहाँ जाएगी नेपाल की, पॉपुलैरिटी कहाँ जाएगी यहाँ पे एनपीएल की, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट मैं कहूंगा नेपाल के लिए हुई है, और अगर डेविड वार्नर आ जाते हैं तो मजा आ जाएगा, मतलब एनपीएल में चुम्मेश्वरी मैं कहूंगा वो वाली फीलिंग आ जाएगी, दिल खुश हो जाएगा, इंडियन फैंस देख देख के पागल होंगे एनपीएल में यार, मतलब मजा आ जाएगा, नेपाली खिलाड़ियों का नाम बनेगा, समझ रहे हो। तो वो मैं चाहता हूँ लुम्बिनी करे, और ये तो 80% to 90% आप कह सकते हो कंफर्म हो ही गई है डेविड वार्नर आ रहे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अगर बाय चांस डील टूटता भी है तो वो सिर्फ पैसे को लेके होगी, बाकी और कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि डेविड वार्नर अभी एकदम अपने इंटरनेशनल मैचेस से रिटायरमेंट ले लिया, वो बैठा हुआ बंदा सोचेगा कि बैठा हुआ ऐसा जाके लीग ही खेल लेता हूँ, समझ रहे हो, ऐसा है। और डेविड वार्नर हर एक लीग मैचेस अभी खेल रहे हैं, तो मेरे को ये कोई मत कहना कि छोटी लीग बड़ी लीग, ये मत कहना, एनपीएल छोटी लीग नहीं है, एनपीएल इज सेकेंड बिगेस्ट लीग ऑफ एशिया आईपीएल के बाद।
लो एक टाइम आएगा जब आईपीएल को भी टक्कर देगी। खैर जो भी है, इसके बारे में आपका सोचना नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज्वाइन भी जाना चाहूंगा।